हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो दोस्तों हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो है प्रोफाइल, एक ग्रेड का प्रोफाइल है, राइट। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक ग्रेड के अकॉर्डिंग रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, एंड देन फिर जाके आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद आपका जो है इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ वैकेंसीज, हाउ टू फिल द फॉर्म, एंड जो है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, मैन इम्पॉर्टेंट थी। इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो दिया गया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, राइट। तो आपके फ्रेंड को भी एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, राइट। तो ये देखिए जो एज है इस प्रोफाइल के लिए, मिनिमम 21 साल है और 32 साल मैक्सिमम एज है, राइट। जो आपका एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए जो है 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर, और जो आपका जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वीमेन कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है आपको जो है 10 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट, इसमें इसके बाद जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, एंड देन फिर जाके आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये हम देखेंगे। देखिए एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका 500 रुपीज़ है। एससी एसटी कैंडिडेट जो है आपका डिसेबल कैंडिडेट है, उनके लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है। रिटर्न एग्जामिनेशन में टू, जैसा कि मैंने बताया ए ग्रेड का पेपर है, तो आपका प्री एंड मेंस पेपर होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड देन फिर आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट। तो प्रीलिम्स में जो होगा 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, राइट, और उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। मेंस पेपर जो है आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का, 2.5 घंटे का ये क्वेश्चन होगा, और ये 1.5 घंटे का क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो है मेंस में 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये है 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें मतलब अगर एक गलत होता है तो आपका आधा नंबर इसमें कट जाएगा, राइट। एंड इसमें जो है ए सेक्शन जो होगा उसमें तो जनरल स्टडीज़, बेसिक साइंस, जनरल अवेयरनेस नॉलेज 300 मार्क्स का। दूसरा स्पेशलाइज जो टेक्निकल पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का, ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज है जो सिविल डिपार्टमेंट से है, सिविल स्ट्रीम से है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो 300 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, राइट। अब देख लेते हैं इसमें और जो है, जैसे कि आपका सेकेंड पार्ट, कितने नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो पार्ट है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं इंटरव्यू पार्ट 75 नंबर्स का है, राइट। 300 आपका जो प्री में हो गया 100 मार्क्स, मेंस में हो गया 300 एंड 300 टेक्निकल, 300 नॉन टेक्निकल, एंड 75 मार्क्स आपका इंटरव्यू का। ये जो आपको चार प्रोसेस है, चारों प्रोसेस का जो वेटेज होगा उसके, वो सब मिला के आपका मेरिट लिस्ट रेडी होगा दोस्तों, एंड देन फिर जाके आपका फाइनल आपका जो है सिलेक्शन होगा। भुवनेश्वर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो है इंडियन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। अब देख लेंगे हम इसमें जो है सिलेबस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं, जो नेसेसरी चीज़ें होंगी जैसे कि आपका प्लस टू का, टेंथ का, और डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आप रिजर्वेशन लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली आपको जो है उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, राइट। आपको सिग्नेचर वहाँ पे डालना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफ वहाँ पे लगाना पड़ेगा, सारा जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है टेंथ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे भरना होगा। ये देखिए ये वेबसाइट है जहाँ जाके आप फॉर्म फिल करोगे, opsc.gov.in, राइट। यहाँ जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। अगर कोई डाउट होता है डेफिनेटली आप कॉमेंट कीजिए, मैं हेल्प आउट करूँगा जितना पॉसिबल होगा, राइट। और जो है आपका जो है क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म फिलिंग करने का 25 सितंबर है, राइट। 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 25 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स का पेपर, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 100 मार्क्स का जो आपका प्री पेपर होगा वो ये है, और ये सब्जेक्ट वाइज है। इंजीनियरिंग, मैं भी इंजीनियरिंग से हूँ तो इसलिए ये देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
10 मार्क्स का पूछेगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम जो है ये 10 मार्क्स का, स्ट्रक्चर एनालिसिस 10 मार्क्स का, कंक्रीट स्ट्रक्चर 10 मार्क्स का, स्टील स्ट्रक्चर 10 मार्क्स का। ये जो है एक एक जो है ये लग रहा है कि एक एक टॉपिक है, बट ये एक एक बुक है ना, एक एक सब्जेक्ट है ना। इस सब्जेक्ट से 10-10 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो वेरी टफ, बट आपको यहाँ दिया गया है कि इतने इतने मार्क्स। तो ये हो गया, ये जैसा कि मैंने बताया 100 मार्क्स का प्रीलिम पेपर होगा, 25% नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड देन फिर जाके आपका मेंस पेपर होगा। एंड वहाँ पे ये देखिए मेंस पेपर है, जैसा कि आपको प्री बताया, मेंस में 300 का जीके जीएस जिसमें दिया गया है आपको, यहाँ जनरल साइंस ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी जियोलॉजी एग्रीकल्चर, ये सब 20-20 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का ये हो गया, और 100 मार्क्स का आपका हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर मॉडर्न इंडियन कल्चर 20 मार्क्स का, हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन, इसको इसको अच्छे से ब्रेक किया गया है कि टॉपिक वाइज दिया गया है, हिस्ट्री में क्या आएगा 1857 की हिस्ट्री आएगी, उसके बाद इंडियन कल्चर विल कवर ऑल दिस 20 मार्क्स का ये भी आएगा इंडियन कल्चर, उसके बाद जियोग्राफी जियोग्राफी 20 मार्क्स का आएगा, राइट, इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड इंडियन पॉलिटी आएगा, इंडियन इकोनॉमिक ये देख लीजिए आप, उसके बाद ये जो है 100 मार्क्स का हो जाएगा, 300 का 200 का वो हो जाएगा, और 100 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स वो हो जाएगा और इधर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का मेंस पेपर होगा उसमें सॉलिड मैकेनिक्स राइट स्ट्रक्चर एनालिसिस जो आपका वहाँ प्री में पेपर था वही है बुक ये, ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको ये आएगा, राइट सेम है, राइट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पे आप जो है शेयर कर सकते हैं इसको, राइट, फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं, चंद्रा शर्मा मेरी आईडी है, जहां आपको हवा महल का फ़ोटो मिलेगा, आप वहां जुड़ सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलेगा, राइट दोस्तों। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँ, ये देखिए वहाँ जैसे 10-10 मार्क्स का सॉलिड मैकेनिक्स 10 मार्क्स का था प्री में, और स्ट्रक्चर एनालिसिस 10 मार्क्स का था प्री में, और ये वही है 11 के 11 टॉपिक वही है जिसमें कि वहाँ पे दिया गया था प्री में, और ये मेंस में है 300 मार्क्स का, राइट। तो दोस्तों ये था इसका, और जो इसमें है 150 क्वेश्चन होगा, और 2-2 मार्क्स का होगा, 300 का होगा, और ये 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा इसका, राइट। तो ये हो गया, एंड देन देखते हैं अब जाके हम नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों, एंड सैलरी स्ट्रक्चर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। तो ये देखिए उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है पंचायती उड़ीसा पंचायती राज इंजीनियरिंग में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि लास्ट डेट है 25 सितंबर, जैसा कि मैंने बताया है, राइट, लास्ट डेट है ये। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 15,600 से लेके 39,100 है, प्लस अलाउंसेस ग्रेड पे है 5,400 का, राइट। और ये पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में वैकेंसी निकली हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 210, जिसमें जनरल के लिए 105 है, जिसमें 35 वीमेन के लिए है, एस सी बी सी में 24 है, 8 वीमेन के लिए, एस सी में 34, एस टी में 47। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी वैकेंसीज हैं, देख सकते हैं आप, स्पोर्ट्स पर्सन में ये है, और इसमें डिसेबल पर्सन के लिए भी दिया गया है, राइट दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड जो प्रोबेशन पीरियड पोस्ट 2 ईयर, 2 ईयर का, 2 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, लाइक आपको ट्रेनिंग पीरियड, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग से आपको सिविल इंजीनियरिंग से आपको बीटेक होना चाहिए, राइट। एंड देन फिर जाके जो है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है रिक्वायरमेंट जो है आपको उड़ीसा आना कंपलसरी है, राइट। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ उड़ीसा, इसे उसके बाद जो है पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़ीसा एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो उड़ीसा ये कंपलसरी है, तो मोस्टली उड़ीसा के लिए ही है, उड़ीसा के कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत रेयर ऐसा कैंडिडेट होगा जो अपार्ट फ्रॉम उड़ीसा, जो उड़ीसा के नहीं है, वो उड़ीसा जो अपने सब्जेक्ट में जो है 10th का सब्जेक्ट में उड़ीसा एक लैंग्वेज पढ़ा हो, या अच्छे से पढ़ना लिखना और बोलना आता हो, राइट दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट
210 वैकेंसी है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को, एंड ई आप जो है पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एंड थैंक यू।